रंधावा राजस्थान के दौरे पर रहे और इस दौरान रंधावा ने न सिर्फ कांग्रेस संगठन के प्रदर्शन में हिस्सा लिया बल्कि साफ साफ ये भी कहा कि कोई नेता कांग्रेस से बड़ा नहीं है। लेकिन इसके बाद रंधावा ने बकायत बैठक ली। बैठक में कांग्रेस के तीन नेता शामिल हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा खुद और साथ में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा। ये बैठक 8 सिविल लाइंस पर आयोजित की गई। माना जा रहा है कि ये बैठक राजस्थान में 2023 के चुनाव के मद्देनजर की गई थी और तीन नेताओं ने चुनावी कैंपेन के रोड मैप पर गंभीर चर्चा भी की है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बैठक में एक वो मुख्यमंत्री जिन्होंने 2013 से 2018 तक संघर्ष नहीं किया, दूसरे वो प्रदेशाध्यक्ष जिनको अध्यक्ष ही इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो गहलोत के विश्वास पात्र हैं और अपने संगठन का विस्तार तक नहीं कर पाए। क्या ये मिलकर 2023 का चुनाव लड़ पाएंगे? बहरहाल इस बैठक में जो भी बड़ी चर्चा रही वो सचिन पायलट की रही। राजस्थान के मुद्दों को सुलझाने पर मंथन हुआ, पायलट की राजस्थान में भूमिका पर मंथन हुआ, इसके अलावा कई मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि राजस्थान में बड़े बदलाव से पहले के संकेत है क्योंकि रंधावा इससे पहले भी विधायकों और सांसदों के विचार जान चुके हैं और अब जो मंथन यहां हुआ है उसके आधार पर माना जा रहा है कि रंधावा अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो केसी वेणुगोपाल को दी जाएगी और उनसे चर्चा की जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी चर्चा की जाएगी और राजस्थान के नेताओं का फीडबैक खड़गे के सामने रखेंगे। लेकिन ये तो तय है कि राजस्थान में सचिन के बिना चुनाव में जाने के बारे में कांग्रेस नहीं सोच रही है। लेकिन सचिन की भूमिका का क्या होगा? क्या सचिन मुख्यमंत्री गहलोत के चेहरे के साथ कांग्रेस के लिए प्रचार करने को तैयार होंगे? इसकी संभावना कम है। और सचिन के चेहरे के साथ गहलोत गुट चुनावी मैदान में उतरेगा? इसकी भी संभावना कम है। लेकिन ये सच है कि कुछ दिनों से गहलोत गुट के कई नेता सचिन की तरफ वापस जाने की तैयारी करने लगे हैं। द पीके टाइम्स की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और राजस्थान की खबरों से जुड़े रहने के लिए द पीके टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।